तो फ्रेंड्स बैक अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी हाक साग, जिसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्याज ले लिए 4 मीडियम साइज़, उनको ना मीडियम साइज़ चॉप करेंगे। और हमने उसके साथ ले लिए कोलार्ड ग्रीन, जिनको हम हाक साग बोलते हैं, कश्मीरी हाक साग, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमने फ्रेश ही किसी से मंगवाया है, उन्होंने अपने किचन गार्डन से तोड़ के दिए हैं हमें, ये देखें। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मेकिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल 1 सर्विंग स्पून ले लेंगे, वो ऐड करेंगे गरम करने के लिए। और तो जो मसाले हमारे इसमें रहने वाले हैं वो देखें, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, बड़े इजी और कॉमन मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चाट मसाला इसमें से ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो रहने देंगे। मैं तो थोड़ा सा टैंगी टेस्ट करने के डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम प्याज, ये देखिए प्याज हमने चॉप किए हुए हैं, मीडियम साइज़ चॉप करने हैं। और जो मस्टर्ड ऑयल हमने गर्म किया उसके अंदर हम इनको ऐड कर देंगे, ये देखें। तो वेट करेंगे हम प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का। जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हाक साग हमने पहले ऐड नहीं करना, ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। हाक साग बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब करते हैं हम इसके अंदर हाक साग ऐड, अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये देखें, जो फाइन चॉप करके हमने हाक साग रखा था वो हमने इसके अंदर ऐड किया है। 4 से 5 मिनट हम इसको इसके अंदर बीच बीच में इंटरमिटेंट स्टर करेंगे, ताकि हाक साग हमारा जो है बिल्कुल नीचे मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके अंदर 160 ml हम पानी ऐड करेंगे, ताकि जब हम इसको विसल करवाएं तो हाक साग जो हमारा वो जले ना। तो वेट करते हैं इसकी विसल का। देखें ये विसल अभी आ रही है, तो 6 to 7 हमने विसल्स इसको करवानी है। 2000 years later. तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हाक साग हमारा बन के तैयार हो गया। तो आप भी ट्राई करें इसको बनाने की, बड़ी अच्छी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ये, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप भी होप करें इसको बनाने का ट्राई करें, और साथ में ये भी इंश्योर करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे हम सभी वीडियोस आपके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, सी यू अगेन, थैंक यू।